सत श्री अकाल जी, मैं इम्तियाज बराड़, फास्ट न्यूज दे विच तुहाडा स्वागत है। आओ रुक करदे आं खबरां वल। रोहन बोपन्ना ते राम कुमार रामनाथन दी भारतीय पुरश डबल्स जोड़ी ने एतवार नूं सीधे सैटां दे विच जित हासिल करके पहले ग्रैंड स्लैम आस्ट्रेलियन ओपन दे वार्म अप टूर्नामेंट एडिलैंड इंटरनेशनल एटीपी 250 दा खिताब अपने नाम कर लिया है। पहली बार जोड़ी बनाउण वाली गैर दर्जा प्राप्त बोपन्ना अते रामनाथन दी जोड़ी ने फाइनल च इवान डोडिंग अते मार्सेलो मोलो दी क्रोएशियाई ब्राजील दी चोटी दा दर्जा प्राप्त जोड़ी नूं 7-6-6-1 दे नाल हरा दिता। ए बोपन्ना दी 20वीं एटीपी डबल्स खिताबी जोड़ी है, जबकि रामनाथन फ्रांसीसी मोनाक्स जोड़ी 6-1-6-3 हरा दिता। इस तो बाद सेमीफाइनल च टॉमी स्लोव ब्रिकिक और सेंटियागो गोंजाले की चौथा दर्जा प्राप्त बोस्नियाई मैक्सीकन जोड़ी और सीधे सैटां 6-2-6-0 जीत दर्ज की। पंजाब दे फिरोजपुर च प्रधानमंत्री दी सुरक्षा च कोताही दा मामला अजे ठंडा भी नहीं होया सी कि जिला पठानकोट दे विधानसभा हलका सुजानपुर दे विच फार्मर वेलफेयर क्लब पठानकोट दे नाम दे नाल बने एक व्हाट्सएप ग्रुप दे विच एक नौजवान दे वल्लों शरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं मारन संबंधी पोस्ट पा के पुलिस अते सुरक्षा एजेंसियां दे विच हड़कंप मचा के रख दिता गया है, जिस दे चलदे सुरक्षा एजेंसियां अते पुलिस दे वल्लों मामले दी जांच कीती जा रही है। इस संबंधी सुजानपुर दे नाल लगदे पिंड फिरोजपुर वासी रविंदर सिंह ने दस्या है कि ओह उक्त ग्रुप दे मैंबर हन अते इस दे विच खेतीबाड़ी विभाग डायरेक्टर तक मौजूद हन। एतवार सवेरे 5:23 दे उपर ग्रुप दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे लई धमकी भरिया मैसेज भी आया, जिस नाल जिथे राज दा माहौल खराब हो सकता है उत्थे ही सूबे दी अमन शांति भी भंग हो सकती है। इस संबंधी उन्हां सुजानपुर पुलिस थाने दे विच शिकायत दर्ज करवा के मैसेज पाउण वाले अते इस मैसेज नूं लाइक करन वाले व्यक्तियां दे खिलाफ कारवाई करन दी मंग कर दित्ती है। अते दूजे पासे DSP धारकला मंगल सिंह अते सुजानपुर थाने दे इंचार्ज सुरिंदरपाल सिंह ने दस्या है कि मामला उन्हां दे ध्यान दे विच आ गया है अते उच्च अधिकारियां दे निर्देश ते अगे दी कारवाई कीती जाएगी। फिल्म अदाकार सोनू सूद की भैन मालविका सूद सच्चर अज कांग्रेस दे विच शामिल होवेगी। पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अते हरीश चौधरी मोगा जा के मालविका सूद सच्चर नूं कांग्रेस दे विच शामिल करवाउणगे। इस दौरान सोनू सूद भी मौजूद रहणगे। क्यास लगाए जा रहे हैं कि ओह मोगा तो कांग्रेस की उम्मीदवार भी हो सकती है। उधर दूसरे पासे कांग्रेस दे मौजूदा विधायक हरजोत कमल की टिकट कट्टी जा सकती है, जिथे कि जेकर हरजोत कमल नूं टिकट नहीं मिलती है तो ओह बगावत भी कर सकते हैं। सोनू सूद दे राजनीति दे विच सरगर्म होण दीआं खबरां काफी समय तो सुर्खियां दे विच लगातार बनी हुई ने। मोगा दे विच कई समाज सेवी प्रोग्रामां दे विच हिस्सा लैंदे रहिंदे ने, हालांकि खुद राजनीति दे विच आउण तों इनकार कर दिता अते अपनी भैण नूं अगे वधा दिता है। इस तों पहला भारतीय चोण कमिशन ने फिल्म अदाकार सोनू सूद दी पंजाब दे स्टेट आइकॉन दे वजों नियुक्ति रद्द कर दित्ती सी। सोनू सूद नूं 1 साल पहला भारतीय चोण कमिशन ने पंजाब दा आइकॉन बनाया सी। पंजाब दे मुख चोण अधिकारी एस करुणा राजू ने शुक्रवार नूं एक अधिकारित बयान दे विच कहा सी कि चोण कमिशन ने 4 जनवरी नूं पंजाब दे स्टेट आइकॉन दे वजों सोनू सूद दी नियुक्ति नूं रद्द कर दिता है। पिछले साल नवंबर दे विच सोनू सूद अपनी भैन दे राजनीति दे विच आउण दी गल कही सी, पर उन्हां दी अपने लई अजिही कोई भी योजना नहीं है। पंजाब दे मोगा जिले दे नाल संबंध रखण वाले सोनू सूद पिछले साल कोविड लॉकडाउन दे दौरान प्रवासी मजदूरां नूं उन्हां दे घरां तक पहुंचाउण दे विच सहायता करन दे वास्ते राष्ट्रीय सुरक्षा दे विच आ गए सन। कुछ दिन पहलां सोनू सूद दी आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे नाल मुलाकात तों बाद अटकलां लगाईआं जा रहीआं सन कि उह सियासत दे विच आ सकदे ने। पिछले कई दिनों तो बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए ने। भारी बारिश के नाल पंजाब दे अंदर फसलों का काफ़ी नुकसान भी किया गया है, जिथे कि मुख्य फसल कणक सरों और सब्जियों का नुकसान होने दी रिपोर्टां भी सामने आ रही हैं। खेतीबाड़ी विभाग का मानना है कि मीह ज़्यादा पैण के करके आलू सने होरना कई फसलों का भारी नुकसान होया है। इस बारे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दस दिए कि पंजाब सने उत्तरी भारत में भारी मीह मगरों तापमान के गिरावट आने के कारण ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और मौसम विभाग ने कई दिनों तो पै रहे मीह का कारण पछमी गड़बड़ी के कारण अरब सागर अते बंगाल की खाड़ी तो आ रही नम हवावां नूं दस दिता है। मौसम विभाग ने कहा है कि हुण आने वाले दिनों दे विच मौसम साफ रहेगा, पर संघनी धुंध अते ठंडियां हवावां करके ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग चो मिली जानकारी दे अनुसार एतवार नूं चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, पठानकोट, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहब, जलंधर, मोगा, रोपड़ अते होरना शहरां दे विच भारी मीह दर्ज किया गया है। मीह नाल नीवीं थावां ते पानी भर गया है, इस नाल फसलां नूं काफी नुकसान पहुंचा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब के मौके के उपर छोटे साहबजादियों की शहादत को समर्पित 26 नवंबर को हर वरे वीर बाल दिवस वजो मनाउण दे ऐलान किया है। बेशक सिख संगतां दे वलों इसका स्वागत किया गया है, परंतु श्रोमणी कमेटी और सिख विद्वानों के वलों इस दे नाल असहमति जाहिर की गई है। इस करके उस मुद्दे के उपर विवाद भी खड़ा हुंदा होया नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के वलों इस ऐलान के उपर श्रोमणी कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री दी भावनावां की कदर करते हैं, पर छोटे साहबजादियों की शहादत को बाल संघी जोड़ के वीर बाल दिवस तक सीमित रखना शहादतां दी भावना अते सिख रवायतां दे नाल मेल नहीं खांदा। उन्हें कहा कि सिख इतिहास सिद्धांतां ते परंपरावां दे मद्देनजर साहिबजादियां दी लासानी कुर्बानियां वड्डे योधियां दे वर्गियां ही हन। उंज वी सिख इतिहास दे विच साहिबजादियां नूं संबोधन समय बाबा शब्द दे नाल सतिकार दित्ता जांदा है। उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार नूं अपील कीती है कि वह इस मामले दे विच अगवाई देण अते उन्होंने कहा है कि सिख परंपरावां अते सिद्धांतां दे नाल संबंधित किसी भी मामले ते श्री अकाल तख्त साहिब दा आदेश लैके ही कोई फैसला किया जाना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि सूबे 111 दिनों तक अपने पंजाब और पंजाबियों की सेवा करने वास्ते वह सारयां दे शुक्रगुजार हैं। मुख्यमंत्री ने ट्विटर के उपर ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्होंने इस गल की खुशी है कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्होंने 111 दिनों तक पंजाब और पंजाबियों की सेवा करने का मौका दिता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इन्हों दिनों के दौरान जनता के लिए किए गए कामों के आधार के उपर वोट मंगणगे और उन्होंने खुशी है कि लोगों ने उन्हों का पूर्ण साथ भी दिता। मुख्यमंत्री ने पंजाब के अधिकारियों के वालों 111 दिनों दौरान दिए गए सहयोग के वास्ते भी उन्होंने धन्यवाद करते हुए कहा है कि सब की मदद के नाल ही सरकार के वालों लए गए फैसलों नूं विहारक रूप दे विच सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हुण चोणां दा ऐलान हो चुका है अते ओह उम्मीद करते हैं कि जनता उन्हां दे 111 दिनां दे कामकाज नूं वेख के कांग्रेस दे पक्ष दे विच अपना फतवा जारी करेगी। न्यूयॉर्क सिटी के ब्रोंक्स में एक अपार्टमेंट के कथित तौर पर नुकसानदार इलैक्ट्रिक स्पेस हीटर के कारण भयानक अग लग गई। इस हादसे में 9 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क फायर डिपार्टमेंट FDNY के कमिश्नर डैनियल नीग्रो ने एतवार को दसाया कि इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल अग के नाल सड़ गई। मेयर एरिक एडम्स, गवर्नर कैथी हचुल और अमरीकी सैनेटर चार्ल्स शूमर मौके पर पहुंचे। मेयर एडम्स के सीनियर सलाहकार स्टीफन रिंगल ने मरण वालों की गिनती की पुष्टि की है। उन्होंने दसाया है कि हादसे दे विच जान गवाउण वाले बच्चों की उम्र 16 साल या फिर इस तो घट सी। कमिश्नर नैगरो ने दस्या है कि 13 लोग हस्पताल दे विच दाखल हन अते सारयां दी हालत गंभीर मन्नी जा रही है। ज्यादातर पीड़ितां दे शरीर दे अंदर सांस लैंदे होए धुआं दाखल हो गया अते मेयर एडम्स ने इस घटना नूं भयानक करार दिता है। उन्होंने कहा कि यह आधुनिक समय दे विच सब तो भयानक अगां दे विचों इक होण जा रही है। अग बुझाउण वालियां नूं हर मंजिल दे उपर अजिहे पीड़ित मिलण जिन्हां नूं दिल दा दौरा पिया सी जां फिर सांस लैण दे विच तकलीफ महसूस हो रही सी। देश विच कोरोना की तीसरी लहर तेजी दे नाल फैल रही है। इस दे नाल ही देश दे विच कोरोना की रफ्तार बेकाबू होंदी जा रही है। कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों दौरान 169,729 नवे केस सामने आ चुके हैं, जदों कि 146 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश दे विच कुल कोरोना मामले वध के 3,57,07,727 हो चुके हैं, जदों कि इस महामारी के कारण हुण तक कुल मरण वालों की गिनती 483,936 हो चुकी है। कोरोना के नवे केसा तो बाद हुण एक्टिव केसां दी गिनती 723,619 हो चुकी है। हालांकि हुण तक 3,45,172 लोग कोरोना महामारी तो ठीक हो चुके ने। उधर देश दे विच ओमिक्रोन दे कुल केसां दी गिनती वध के 4,033 हो चुकी है। महाराष्ट्र अते राजस्थान दे विच ओमिक्रोन दे सब तो वध 1,216 अते 529 केस दर्ज किए जा चुके ने। ओमिक्रोन दे 4,033 मरीजां दे विचों 1,552 मरीजां नूं छुट्टी दे दित्ती गई है। ओमिक्रोन दे वधदे खतरे तो कोरोना दी बेकाबू रफ्तार दरमियान टीकाकरण मुहिम तेज हो चुकी है। हुण तक 151 करोड़ टीकाकरण दीयां खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने अते एतवार नूं देश विच 1,352,717 सैंपल टेस्ट किते जा चुके ने। ड्रग केस दे विच फसे हुए अकाली लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया की अगाऊ जमानत के उपर अज फैसला हो सकता है। पंजाब अते हरियाणा हाईकोर्ट दे विच अज सुनवाई होगी। 5 जनवरी नूं हुई सुनवाई च हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नूं नोटिस भेजा सी, जिस च उन्हां तों मजीठिया की पटीशन ते 8 जनवरी तक जवाब मंगया गया सी। इस तों बाद सरकार ने हाईकोर्ट दे विच जवाब सौंप दिता सी।
जिक्र योग है कि पंजाब च विधानसभा चोणां दे वास्ते चोण जाब्ता लागू हो चुका है। हाले तक पंजाब सरकार नशे नूं चुनावी मुद्दा बनाउण दे लई इस मामले दी जोरदार ढंग दे नाल पैरवी कर रही सी। इस तों पहलां मजीठिया ने मोहाली कोर्ट तों अगाऊ जमानत मंगी सी, जिस नूं सैशन कोर्ट ने यह कहिंदे होए खारिज कर दिता सी कि मजीठिया ते लगे दोषां दी जांच दे वास्ते कस्टडी दे विच इंटरोगेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यह भी सामने आ रहा है कि पंजाब सरकार मजीठिया अते गैंगस्टरां दे नाल संबंधां नूं लैके एक होर केस दर्ज कर सकती है। राष्ट्रीय राजधानी च कोरोना वायरस के मामलों में वाधे दरमियान एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत दिल्ली पुलिस के 300 तो वध कर्मी कोरोना के नाल पीड़ित पाए जा चुके हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने 300 तो वध पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके बारे में उन्होंने जिक्र कर दिया है। वह फोर्स वख-वख इकाइयों तो संबंध रखते हैं और इन्हों हूँ एकांतवास भी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस च 80,000 तो वध कर्मी काम करते हैं। हाल ही के दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पुलिस मुलाजमान के दरमियान कोरोना वायरस को फैलने तो रोकने के वास्ते मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया SOP जारी की थी। SOP के अनुसार सारे पुलिस मुलाजमान को ड्यूटी दौरान चेहरे के उपर मास्क लगाना, समाजिक दूरी का पालन करना और उचित तरीके दे नाल हाथ धोन सैनिटाइज करने जरूरी करार दे दिए सन। इस विच कहा गया कि जिन्हां कर्मियों ने मैडिकल थावां तो कोरोना रोकू टीके खुराक नहीं ली है, वह टीकाकरण के वास्ते मुड़ तो डॉक्टरों की राय जरूर लैन। इसी इम्तियाज ब्रांड को दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।